अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर कौमी हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उसके लिए कैंप लगाया गया है छोटे बच्चों के लिए, और ये कैंप जो है मुसलसल जारी है, और एक उम्मीद की जा सकती है इस कैंप के बाद कि कौमी खेल जो है एक मरतबा फिर अपना वो मुकाम खोया हुआ जो उसने खो दिया था वो हासिल कर पाएगा। इस वक्त मेरे साथ जो है कराची हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैदर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस कैंप के बारे में बात करेंगे। अच्छा बताएं कि कैंप कब लगाया गया था, कब खत्म होने का फिर बढ़ा दिया गया, क्या है? 9 दिसंबर से कैंप स्टार्ट किया था और ये 23 दिसंबर तक जाना था, लेकिन हम अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब 300 कैंप के आ जाएंगे मैक्सिमम, जो हमेशा होता रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 900, पहले दिन 800 बच्चों की रजिस्ट्रेशन थी, फिर अभी 900 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो इस वजह से हमें कैंप थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, तो हम इंशाल्लाह ताला आगे 27 या 28 तक ये लेके जाएंगे कैंप। कौमी खेल है हमारा हॉकी, ठीक है, इसका कोई है रिवाइवल, वो उसी सतह पे आ सकता है जब इसका क्रेज़ होगा देखने का, उस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है? बिल्कुल कदीप भाई, हमेशा आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे आया है तो कराची के 3 से 4 प्लेयर आए, और अभी आप देखेंगे कराची का एक प्लेयर नहीं है इसमें। अब कराची के प्लेयर्स ने, कराची के पेरेंट्स ने अपना हक डाल दिया है, और अब इन पे काम करना कराची हॉकी एसोसिएशन का काम है, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बहुत बच्चा टैलेंटेड आया है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई जो 3 से 7 साल का बच्चा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कहा जाता है कि हमारा नेशनल गेम है, उन्होंने प्रूव किया है कि वाकई उनके जो है ब्लड में भी हॉकी है, और वो इस तरह हॉकी पकड़ रहे हैं, इस तरह हॉकी खेल रहे हैं। अभी हमने छोटे ग्राउंड बना के 5-a-side के गेम भी शुरू कर दिए, तो सबसे ज़्यादा जो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ उन बच्चों को इन्जॉय कर रहा हूँ जो 3 साल से 7 साल के बच्चे हैं और जो इतना ज़बरदस्त हॉकी खेल रहे हैं। अच्छा, अभी यही बच्चे रहेंगे उसी जो तारीख बढ़ाई है, या नए आ सकते हैं क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन हमने ओपन रखी हुई है, हमने एक डैश बना दी है, जिसने रजिस्टर्ड कराना है अपने आप को कराची हॉकी से वो रजिस्टर्ड कराए, इसलिए कि लोगों को पता नहीं था अभी तक ग्राउंड। ये पहली मरतबा हुआ है कि 4 घंटे में 18,000 लोगों ने हमारा पेज लाइक किया था कराची हॉकी एसोसिएशन का, तो अब माशाल्लाह से जैसे 900 बच्चे हैं उनके साथ 900 फादर हैं, 900 मदर हैं, इसी तरह उनके भाई बहन, आप सोचें कि ये किस कहां कहां हॉकी फैल गई है। ये हमारा नेशनल गेम है जो लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब छोटे से बच्चों को भी नेशनल गेम का पता है कि ये हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम। गुड, ये हैदर हुसैन मेरे साथ मौजूद थे, कराची हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, और ये पीछे ग्राउंड में देखें, अभी तक कैंप जारी हैं, और ये इसमें जो कैंप हुआ है इसमें ना सिर्फ यंगस्टर्स, छोटे बच्चे जो हैं अभी इस वक्त चले गए हैं, और कुछ मौजूद भी हैं, लेकिन ये थोड़े एज में बड़े हैं जो कि प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस तरह ये कैंप जो है 23 तारीख को ख़त्म होना था, लेकिन इसमें इसकी अब तारीख में तौसी कर दी गई है, मज़ीद ये पूरा हफ्ता जारी रहेगा, और उम्मीद की जा रही है कि ये कौमी खेल जो है हमारा फिर एक मरतबा उसी सतह पर आएगा जिस तरह पहले हम छोटे हुआ करते थे, और इसका इंतज़ार होता था ख़ासतौर पर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता था हॉकी का, उसको देखने के लिए बिल्कुल बेताब होते थे, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसके बाद हमारा जो हॉकी है ये उसी सतह पर आएगा।